हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज जो टॉपिक है वो रिलेटेड है चिले देश से। ये जो चिले कंट्री है ये यहाँ पे लोकेटेड है, ये साउथ अमेरिका है और ये चिले देश है और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। ये पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा रीजन पैसिफिक ओशियन है। अब क्या है कि चिले में जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो मेनली मछुआरे की तरह रहते हैं, फिशरमैन की तरह रहते हैं। मतलब जो फिशेस पैसिफिक ओशियन में प्रेजेंट है उसी को पकड़कर अपना जो लाइवलीवुड है वो जनरेट करते हैं। अब ये पाया ये जा रहा है कि चिले एरिया में, ये जो चिले का जो एक कोस्टल एरिया है, यहाँ पे एक एनिमल प्रेजेंट है जो कि अगेन ये एनिमल समुद्र में ही पाया जाता है और उसे हम सी लायंस कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि सी लायंस क्या है। तो ये जो सी लायंस हैं, ये सी लायंस एक तरीके से जो मछुआरे या फिशरमैन हैं उनके दुश्मन या फिर एनिमी के रूप में सामने आ रहे हैं। अब ये जो सी लायंस है ये प्रोटेक्टेड है अंडर जो गवर्नमेंट चिले है, गवर्नमेंट ऑफ चिले ने लॉ बना रखा है उसके तहत ये सी लायंस प्रोटेक्टेड हैं। तो ये फिशरमैन इनको नहीं मार सकते, लेकिन देखने में सामने आ रहा है कि ये जो सी लायंस हैं ये फिशरमैन के काइंड ऑफ एनिमी बन रहे हैं। तो ये क्यों एनिमी बन रहे हैं इसी पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस वीडियो लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, माय आईडी सौरभ पांडे 009। अगर हम सी लायंस की बात करें तो ये जो एनिमल आप देख सकते हैं पिक्चर में, इसे हम सी लायंस कहते हैं। अब क्योंकि ये सी जो एरिया है या जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ये इस प्रकार से रहता है और इसके पास ये भी फैसिलिटी है कि इजीली काफ़ी डिस्टेंस तक स्विम करते हुए अंदर जा सकता है, फिशेस पकड़ सकता है। तो ये कोस्टल एरिया में यहाँ भी रह सकता है और साथ में अंदर भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं ये काइंड ऑफ एम्फीबियन है। जैसे फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, इसी प्रकार से ये भी काइंड ऑफ एम्फीबियन है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो फिशरमैन हैं, फिशरमैन का ये मानना है, मछुआरे जो है उनका ये मानना है कि वो टफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं इस एनिमल से जो ये सी लायन है उससे। और उस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि जो सी लायंस की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्री है, चिले की जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी अफेक्ट हो रही है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसका क्या रीज़न है। अगर बात करें सी लायन की तो ये सी लायन प्रोटेक्टेड है, जो लॉ है वहाँ चिले का उसके तहत वो प्रोटेक्टेड है। 28 साल से वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि क्या देखा गया कि जब ये प्रोटेक्टेड नहीं था तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो सी लायंस है, सी लायंस की काफ़ी हंटिंग की जाती थी और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती चली गई। तो चिले में भी ये स्टेप लिया गया कि उसकी पॉपुलेशन को बचाया जाए, उसके लिए लॉ बनाया जाए। जैसे हमारे देश में ही अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके अलग अलग शेड्यूल्स हैं और जिस शेड्यूल में जो एनिमल होता है उसको उसी प्रकार की प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर भी प्रोटेक्टेड है या लायन भी प्रोटेक्टेड है, जो नॉर्मल लायन होता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और अगर किसी ने टाइगर की हंटिंग की या फिर लायन की हंटिंग की तो उसे काफ़ी फाइनेंशियल पेनल्टी भी फेस करनी पड़ेगी, प्लस इम्प्रिजनमेंट भी फेस करना पड़ेगा, मतलब उसे जेल भी जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार का लॉ चिले में भी है और जो वहाँ के फिशरमैन अगर चाहें भी तब भी उसको मार नहीं सकते, जो ये चिलियन सी लायन है इसको मार नहीं सकते। अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं तो अगेन उन्हें भी फाइनेंशियल पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ सकता है। अब क्या है कि पहले जो हंटिंग होती थी तो ये जो सी लायन है, सी लायन के ऊपर की जो स्किन है उसे फर के रूप में उपयोग में लाया जाता था, उसी के लिए उसकी हंटिंग की जाती थी। लेकिन अब वो हंटिंग रुक गई है और इस वजह से सी लायन की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। अब दूसरे जो प्रीडेटर्स हैं, प्रीडेटर्स का मतलब यहाँ सिंपल से यह हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल डियर है, डियर को कौन खाएगा, लायन खाएगा या टाइगर खाएगा, तो लायन या टाइगर इसके प्रीडेटर्स हो गए। तो इसी प्रकार जो ये सी लायन है, सी लायन का जो प्रीडेटर है शार्क है या ऑर्कस है, ये जो बड़ी मछलियाँ होती हैं ये इसकी प्रीडेटर है। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि जैसे अगर ये कोस्टल एरिया है और ये समुद्री जगह है या समुद्र
समुद्र की जगह है, तो ये सी लायंस मैक्सिमम टाइम यहीं पे रहते हैं, तो जब यहाँ नहीं जाएंगे तो ये शार्क या ऑर्कस उसे नहीं मार पाएंगी, और इस वजह से क्या है कि इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इस एरिया में ईजिली फूड की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे कोस्टल एरिया में ईजिली फूड की अवेलेबिलिटी है, तो सी लायंस को भी यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। समुद्र के अंदर अगर नहीं जाएंगे तो शार्क या ऑर्कस उन्हें मार नहीं सकती, और इसी वजह से भी क्या देखने को मिल रहा है कि जो पॉपुलेशन है सी लायंस की वो बढ़ती चली जा रही। तो दो मेजर फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉपुलेशन इंक्रीज के, पहला तो ये है कि आप उसकी हंटिंग नहीं कर सकते, मतलब ह्यूमंस उसकी हंटिंग नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि शार्क या फिर ऑर्कस जो इसके प्रीडेटर्स हैं उनका भी सामना नहीं होता है सी लायंस के, क्योंकि सी लायंस ज़्यादातर समय में इन कोस्टल एरिया में ही रहते हैं। अब क्या है कि जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि वो कोस्टल एरिया में क्यों रहते हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा है कि फूड की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे इजली। अब जो मछुआरे हैं, मछुआरे अगर मछलियाँ पकड़ कर लाए और इस कोस्टल एरिया में उन्होंने ऐसे ही मछलियाँ रख दी, नेट जो मछलियों का नेट होता है, मछली को पकड़ने वाला जो फिशिंग नेट होता है उसमें मछलियाँ अगर पकड़ी हुई हैं और वो इधर एरिया कोस्टल एरिया में उसे रख दिया, तो ये सी लायंस क्या करेंगे, वहाँ पर हमला कर देंगे, उस पर हमला कर देंगे, और फिर जो भी ये फिशेस हैं, क्योंकि सी लायंस की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जो फिशेस हैं उसको वो कंज्यूम करेंगे। तो एक तो ये एक तरीका है जिससे वो अपना फूड सी लायंस डिराइव करते हैं। दूसरा क्या देखने को मिल रहा है कि ये सी लायंस कोस्ट में ऐसे बैठे रहेंगे, खूब सारे सी लायंस बैठे रहते हैं और वो नोट करते रहते हैं साउंड को। जैसे ही कोई बोट अंदर जाती है तो उस साउंड को वो नोट करेंगे, और ये बोट जैसे ही समुद्र में गई तो इसके पीछे पीछे कई सारे जो सी लायंस हैं वो भी चले जाते हैं। अब किसी एक एरिया में जहाँ पे भी वो रुकती है बोट, तो उस एरिया में मे बी फिशिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से वो बोट वहाँ रुकती है। तो जो फिशरमैन हैं पहले अगर वो पकड़ते भी हैं, उससे भी पहले ये सी लायंस उस एरिया की जो मछलियाँ हैं उसको पूरे तरीके से साफ कर देते हैं, मतलब उसे काइंड ऑफ उसे खा लेते हैं। अगर दूसरा ये भी है कि अगर जो बोट है उस बोट की बोट में जो फिशिंग नेट है अगर उसमें मछलियाँ पकड़ी भी गई कई सारी, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि इनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 300 किलोग्राम के ये होते हैं, तो वेट इतना ज़्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं, वो फिशिंग नेट के अंदर जाएंगे और उसको फाड़ देते हैं फिशिंग नेट को, और जो मछलियाँ हैं उसको अंदर से बाहर को निकाल के और उसको कंज्यूम करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि क्योंकि सी लायंस की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो जो फिशरमैन है, ये जो फिशरमैन है, इसके यहाँ से फिश गायब हो रही है, सिर्फ मैन बचा हुआ है। कहने का मतलब है कि उसे फिश पकड़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है इस सी लायंस की वजह से। तो इसीलिए क्या है कि फिशरमैन कहते हैं कि ये जो सी लायंस है हमारे, ये सी लायंस हमारे एक तरीके से दुश्मन है और इन्हें मारने का हमें अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ कहना है। अगर एपेटाइट की बात करें, जो ये सी लायंस है उनके भोजन की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं हर दिन। एक सी लायंस की बात करें तो 90 पाउंड्स ऑफ फिश हर दिन एक सी लायन खाता है। और देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो वल्पेराइजो है, जो कि कोस्टल एरिया है वहाँ का, चिले का, तो वहाँ के 80% जो बोट है वो इस आशा से, इस होप से जाते हैं कोस्टल एरिया में, ये जो समुद्र में, इस आशा से जाते हैं कि उन्हें मछलियाँ इस बार मिलेंगी, आज हम मछलियाँ लेकर आएंगे, उसको खाएंगे, बेचेंगे और अर्निंग करेंगे। लेकिन वहाँ पे अगेन सी लायंस प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो पकड़ते भी हैं, फिशरमैन अगर मछलियाँ पकड़ते भी हैं, तो हमला करके सी लायंस उसे छीन लेते हैं फिशरमैन से, और 80% के आसपास जो बोट है वो बेचारी खाली आती हैं इस आशा से कि कल जाएंगे दोबारा और सी लायंस हमें नहीं मिलेंगे। एक तरीके से इस तरीका का एक बिलीफ रहता है। अब कहने का ये मतलब है कि उन्हें ये लगता है कि मतलब काफ़ी गुस्सा भी आता होगा इस बात से कि उनकी जो फिशेस हैं उनको सी लायंस हमला करके ले जाते हैं, और उन्हें लगता होगा कि हमें इन सी लायंस को मार देना चाहिए, लेकिन वो मार नहीं सकते अगेन, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है चिले के लॉ के अंदर। अब 40% के आसपास जो वर्ल्ड की सी लायन की पॉपुलेशन है, लगभग 2 लाख, वो चिले की कोस्ट में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
क्योंकि ये पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए जो फिशरमैन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेनली जो वहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी सफ़र कर रही है। तो जो फिशरमैन की अगेन काफ़ी डिमांड है कि इस बैन को लिफ्ट करना चाहिए, बैन हटाना चाहिए। अब वहाँ की सरकार है, सरकार कह रही कि ठीक है हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं और फरवरी के महीने में हम क्या करेंगे कि ये जो सी लायंस हैं इनकी कितनी पॉपुलेशन है उसकी जनगणना की जाएगी, सेंसस की जाएगी और उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी एग्री की है कि हम एक कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, सेट करेंगे कमीशन, और वो कमीशन स्टडी करेगी कि क्या प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं फिशरमैन के द्वारा और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो बोट है, बोट के जो मोटर है उसका जब साउंड है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये सी लायंस और उसी के पीछे पीछे फिर जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये भी एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो बोट्स हैं, बोट्स में अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स फिट किए जाए। अब ये जब साउंड अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स फिट किए जाएंगे तो ये क्या है, सी लायंस को दूर भगाएंगे। मतलब अगर ये इक्विपमेंट फिट है तो वो पास नहीं आएंगे। जैसे मॉस्किटो को भगाने के ऑल आउट का उपयोग किया जाता है या मॉर्टिन का, किसी का भी उपयोग करें, इसी प्रकार अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट का उपयोग करके इन सी लायंस को भी भगाने का एक एडवाइस दी गई है। तो ये भी एक सॉल्यूशन बताया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर चिले चाहे भी, अगर चिले की सरकार ये चाहे कि ठीक है फिशरमैन की इतनी डिमांड है, फिशिंग इंडस्ट्री इतना इफेक्ट हो रही, तो ये जो बैन है इसको हटा देना चाहिए और फिशरमैन को अलाउ करना चाहिए कि आप जो है हंटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकती चिले की सरकार। इसका रीज़न ये है कि उसने इंटरनेशनल एकॉर्ड को साइन और रेटिफाई किया हुआ है जिसके तहत सी लायंस को प्रोटेक्ट करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं करती है तो उसके कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट उसे फेस करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो सलमन जो ये फिश है, अगेन एक फिश है, उसको इंपोर्ट करना बंद कर देगी और इससे काफ़ी बड़ा नुकसान चिले को फेस करना पड़ सकता है क्योंकि हर साल इसका एक्सपोर्ट करके, सलमन का एक्सपोर्ट करके लगभग $4 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करती है चिले। तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा क्या है कि ये जो सी लायंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू बैलेंस अ फूड चेन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ग्रास है, ग्रास को डियर खाएगी, जैसे ग्रास है, ग्रास को डियर है या फिर रैबिट खाएगा, है ना, उसके बाद रैबिट को स्नेक खाएगा और इसको जो हॉक होता है, जो बाज है वो खाएगा, इसी प्रकार जो डियर है, डियर को लायन खाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे की पॉपुलेशन को मेंटेन रखते हैं, एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। अगर स्नेक नहीं है तो रैबिट की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी या फिर चूहे की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, अगर हॉक नहीं है तो स्नेक की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो सी लायंस वहाँ प्रेजेंट है वो फूड चेन का हिस्सा है और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। लेकिन अगर उन्हीं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अगेन ये सोचने की बात है। दूसरा क्या है कि अब क्योंकि जो ये सी लायंस है उनका कोई प्रीडेटर बचा भी नहीं है क्योंकि उन्हें कोस्टल एरिया में ही हमेशा रहना, समुद्र में इतना उतरना नहीं होता है, तो इस वजह से क्या है कि इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो सी लायंस हैं, सी लायंस किससे कॉम्पीट कर रहे हैं, सी लायंस कम्पीट कर रहे हैं ह्यूमंस से। यहाँ पे वो ह्यूमंस को अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हैं और उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं कि आप पकड़ के लाइए मछलियाँ और हम जो है उस पर अटैक करके हम उसे कंज्यूम करेंगे। अब इसका जो एक सॉल्यूशन ये भी है कि हमें अब सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से सी लायंस के साथ रहे, कुछ सॉल्यूशन लेकर आना पड़ेगा कि ये जो सी लायंस है ये पास जो है बोट के पास में ना आए या कोस्टल एरिया में ज़्यादा ना आए, या कुछ एक एरिया मार्क कर दें, उसी एरिया में ही जब फिशेस पकड़ के लाई जाती हैं तो वहाँ पे उनको रखा जाए जहाँ पे सी लायंस ना पहुँच पाए। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे क्योंकि सी लायंस को मारना तो कोई एक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ये वहाँ की सरकार भी अलाउ नहीं करेगी क्योंकि उसने इंटरनेशनल अकॉर्ड साइन किया हुआ है। सो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन जीएस पेपर 3 में अंडर सेक्शन एनवायरनमेंट ये प्रश्न बन सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।